साथियों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कई सारे मित्र, कई सारे दोस्त सवाल लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं। उन्होंने सूचना अधिकार का आवेदन दिया और उनका सूचना अधिकार का आवेदन निरस्त कर दिया गया धारा आठ लिख करके, और उनको बताया गया कि संबंधित सूचनाएँ धारा आठ की श्रेणी में आती हैं, इसलिए आपको दिया जाना संभव नहीं है। तो आज हम बात करेंगे धारा आठ क्या है, वे कौन सी सूचनाएं हैं जो आपको नहीं मिल सकती और उनके न मिलने की वजह क्या है, और ऐसी सूचनाएं दिए जाने से क्या चीज़ें, क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, आज इस पर डिस्कस करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट कर दूं कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो जो आजकल हम एक सीरीज चला रहे हैं आरटीआई की पाठशाला, तो उसमें जो भी हम नए नए वीडियो, नए नए अपडेट्स हम जो दे रहे हैं आप लोगों तक, वो तुरंत पहुँचें, तत्काल पहुँचें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। मैक्सिमम शेयर करें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें। आगे पीछे करके आप देखते हैं तो वीडियो की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनसे आप कहीं ना कहीं रूबरू नहीं हो पाएंगे, वो आपसे छूट जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई सारे दोस्त व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सवाल लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि हमने आरटीआई का आवेदन किया और संबंधित जनसूचना अधिकारी ने धारा 8 का हवाला देते हुए हमें एक पत्र भेजा जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी मांगी गई सूचनाएं धारा 8 के अंतर्गत आती हैं, 8(1) क्लॉज में आती हैं और उनका दिया जाना संभव नहीं है, अतः आपका पत्र निस्तारित किया जाता है, आवेदन खारिज किया जाता है या मूल रूप से आपको वापस किया जाता है। कई सारे दोस्त हैं, कई सारे लोग हैं, वो बड़ा परेशान है कि आखिर धारा 8 का सब क्लॉज 1 क्या है, 8 क्या है और क्यों लगातार हमारे आवेदन पत्र जो है खारिज हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं। तो आज हम इसी पे विस्तार से बात करने के लिए आप लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, धारा 8 जो है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 का क्लॉज 1 है, सूचना अधिकार को प्रदान करने से छूट प्रदान करता है और ये विशेष तौर पे जो जनसूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी हैं या कमीशन हैं उन पर लागू होता है कि वो चाहें तो सूचनाएं नहीं दे सकते हैं, आपके लेटर को खारिज कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, जो आपका जनसूचना का आवेदन है उसको निरस्त भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से अधिकार हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, तो धारा 8(1) में स्पष्ट रूप से इस बारे में प्रावधान किया गया कि वे सूचनाएँ जिनसे भारत की अखंडता, प्रभुता और संपन्नता पर खतरा पैदा होगा, सेक्शन 8(1) में स्पेसिफिक है, सेक्शन इसका जो ए है या जिसको हिंदी में का बोलेंगे, सबसेक्शन का सबसेक्शन जो है वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता आदि को जो चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं, जो सूचनाएं नुकसान पहुँचा सकती हैं, वे सूचनाएं आपको कभी प्रदान नहीं की जाएंगी। इसमें जो बी है जिसको खा बोलेंगे, वो लिखा हुआ है कि कोई मामला किसी न्यायालय, किसी अधिकरण में है, विचाराधीन है, वे सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी जो किसी मामले में किसी न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि इससे न्यायालय के निर्णय जो हैं होंगे और जो कार्यवाहियां होंगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए आपको ये सूचनाएं भी नहीं दी जाएंगी। इसका जो सी है, जो गा है, वो कहता है कि सूचना जिसके प्रकट से संसद या किसी राज्य के विशेष विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा, वे सूचनाएं भी आपको नहीं दी जाएंगी। डी कहता है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी जो रिश्तेदारी है उसकी रिश्तेदारी में सूचनाएं तब तक नहीं दी जाएंगी, कोई रिश्तेदार अगर कोई सूचना मांगता है तो सूचनाएं तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि सूचनाएं व्यक्तिगत ना होकर के लोक हित में मांगी जा रही हैं। सेक्शन इसके बाद डी के बाद जो आता है, सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है सेक्शन एफ। ये कहता है कि सूचना जिसके प्रकट करने से व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, ऐसी सूचनाएं जिनसे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, उसकी शारीरिक जो स्वतंत्रता है उस पर हमला हो सकता है या व्यक्ति की जो उसकी जो स्रोत हैं उसके व्यक्तिगत उनकी पहचान हो सकती है, वे सूचनाएं भी देने से यहाँ पर स्पष्ट रूप से मना किया गया है। सूचनाएं आप नहीं प्रदान करेंगे, ना आप मांग सकते हैं और संबंधित जो जनसूचना अधिकारी है वो स्पष्ट रूप से आपको सूचनाएं मांगने से मना कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं कि ये सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो धारा 8(1) जो है, जो सूचनाएं देने से आपके लिए मना करता है, जो भाई अक्सर जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं लगातार,
कि सर सेक्शन 8 क्लॉज 1 का हवाला दे करके पत्र को खारिज कर दिया गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं 8 क्लॉज 1 में, जिनमें से मैंने आपको ए बी सी डी और एफ जो मुझे उचित लगा मैंने आपको बताया है, और भी सेक्शन अभी बाकी हैं, आप लोग चाहें तो पूछ सकते हैं, मुझे ज़रूरी नहीं लगा बताना, क्योंकि ये बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं पे आधारित है। ये सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी, ये सूचनाएं आप RTI के जरिए नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये सूचनाएं देने के लिए जन सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी और कमिश्नर जो होंगे सूचना आयोग के, उनको इसमें छूट दी गई है कि ये सूचनाएं आप नहीं प्रदान करेंगे, ये सूचनाएं आप नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो आप जब भी सूचना मांगे तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो 8(1) क्लॉज में तो नहीं आती है। अगर आपकी सूचना 8(1) के क्लॉज किसी भी क्लॉज में, ABCD किसी भी क्लॉज में आती है, तो ये सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी, आपका आवेदन पत्र खारिज होगा, निरस्त होगा या आपको वापस कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आपके कमेंट्स मैं आमंत्रित करता हूं, अपने कमेंट्स, मुझे सवाल आप पूछें कमेंट्स के जरिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फेसबुक पेज पे आप मुझे लिख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप जो है व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ID और ये तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखे हैं हमारे यूट्यूब, तो आप लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लगातार फॉलो करें। हमारी ID वही है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।